ये अल्लाह ताला की नाशुक्री होती है अगर आप बच्चे को जाया करें। डब्बे का दूध तो जी दूध ही नहीं है, दूध में किसी किस्म की मिलावट। दूध ऐसी चीज है, चार घंटे नहीं चल सकता, वो छह महीने कैसे चल रहा है। टोटल केमिकल है, दूध का नाम है दूध है नहीं, ये तो है जी उनका जादू होता है जी। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो माशाल्लाह जी आज हम लोग पहुंच चुके हैं जी केकेपीटीज फॉर्म पे। तो ये है जी चकबेली के अंदर। तो इनका एक स्पेसिफिक छोटा सा एक शौक है। अभी चलते हैं जी माशाल्लाह अंदर, देखते हैं कि क्या माहौल है क्या नहीं माहौल। थोड़े से जानवरों का शौक आपको भी करवाते हैं माशाल्लाह, कैसी चीजें हैं कैसी नहीं है। आ जाओ जी पीछे पीछे। प्रोडक्शन वाली जो सारी भैंसे हैं वो ये हैं, और ये भी शौकत साहब की है। अच्छा शौकत साहब से आई हुई है ये वाली। अच्छा माशाल्लाह जी खूबसूरत है जी। लो जी शौकीनों एक दफ़ा पिंडी में भी शौकत साहब के जो फैन है उनके पास भी ये उनकी घर की ब्रीड है। तो चलते हैं जी आपको ना गाय का भी अंदर जाके शौक करवाते हैं जी। इनकी जो दूध की प्रोडक्शन वाले जानवर है वो भी माशाल्लाह आते जा रहे हैं, ठीक है दिखाते हैं आपको। और साथ साथ अंदर से वो खोल के बाहर ला रहे हैं, फिर उसके बाद दूध की क्वालिटी भी इनकी देखते हैं चेक करते हैं। और ये माशाल्लाह जी अब इनकी भैंसे आती जा रही हैं बाहर दूध वाली सारी। तो ये सर जी ये वाला काम कब से स्टार्ट किया हुआ आपने? ये हमें इस बच्चे हैं बच्चे हैं हम दो साल से ही कर रहे हैं दूध का काम। अच्छा ये सारा दूध का ही काम है माशाल्लाह से? कितने टाइम से? दो साल हो गए। दो साल हो गए सही। तो ये माशाल्लाह सारा फार्म पे आप दूध सेल आउट कर रहे हैं या? अभी तो हम दुकानदारों को दे रहे हैं। अच्छा लेकिन अभी हम अपनी सेल जो है डोर टू डोर सर्विस शुरू। अच्छा सर मैं तो सीधा एक सवाल डायरेक्ट करूंगा, देखें ये बनता भी है दूध में किसी किस्म की मिलावट? देखे फार्मर कभी भी दूध में मिलावट नहीं करता। ठीक हो गया। दूध में मिलावट दुकानदार करता है, सही मिडिल मैन करता है, ठीक हो गया ना, या कंपनीज करती है। कंपनी जो दूध अपना बेच रही है, दूध ऐसी चीज है चार घंटे नहीं चल सकता, वो छह महीने कैसे चल रहा है? ये बात तो है। टोटल केमिकल है, दूध का नाम है दूध है नहीं वो। तो सर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पिंडी के अंदर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर दूध बा मुश्किल खालिस नहीं मिलता। तो अगर कोई मतलब कहता है कि यार हमें हमारे घर तक डोर स्टेप पे हमें ये दूध चाहिए, हम इसका अभी पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं सही, और वर्किंग कर रहे हैं, पैकिंग की मशीन वगैरह भी ले रहे हैं हम सही। तकरीबन हमें एक दो महीने लगेंगे। ठीक हम अभी इनिशियली तौर पे बैरियर टाउन और डीएचए में अभी शुरू करेंगे। अच्छा सप्लाई शुरू करेंगे। हाँ। तो फिर उसके बाद रावलपिंडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हम पर्सनल बेसिस पे हमारे कुछ रिश्तेदार अजीज हैं, ठीक है हम उनको बैरियर टाउन में ये दूध दे रहे हैं अभी, ठीक है घरों पे पहुंचा रहे। अच्छी बात है सर जी। ये अभी हमारी प्रॉपर पैकिंग नहीं है। अच्छा। हम उसके पैकिंग की हम डिजाइन वगैरह कर रहे हैं। अच्छा तो ये इनका बाथ टाइम है, इस टाइम शावर ले रही है? बिल्कुल ये अभी ये दूध देख के फारिग हुई है, तो अब जो है इनको नहलाया धुलाया जा रहा है। तो सर इसका भी जो दूध का भी ये जाके हमें जो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें गाय का दूध चाहिए, ठीक है उनको आप सिर्फ गाय का दूध भी प्रोवाइड कर सकते हैं? गाय का भी दे सकते हैं, हम भैंस का मांगेंगे भैंस का भी दे सकते हैं सही, अगर कोई मिक्स की डिमांड करता है मिक्स भी दे सकते हैं, ठीक अगर कोई स्किम मिल्क मांगेगा तो वो भी मिल जाएगा। ठीक हो गया माशाल्लाह। तो व्यूअर्स अगर दूध की प्रोडक्शन की अभी कह रहे हैं कि हम जो मार्केट में लेके आएंगे वो तकरीबन महीना दो तक के अंदर अंदर जो है इस चीज़ को हम लेके आएंगे, फिर जिसको चाहिए होगा तो दानिश भाई जो है डोर स्टेप तक जो है ना इसका कोई अरेंजमेंट करके तो वो डोर स्टेप तक भी खालिस दूध आप तक पहुंचाया जाएगा। तो इस चीज़ का अभी आपको एक चीज़ डेमो दिखाएंगे कि क्वालिटी वाइज जो है ना दूध रोजाना की रूटीन पे किस तरह चेक होया होता है। हमारे पास की एक मशीन है। अच्छा जो इसकी फैट चेकर होती है और साथ में इसके जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे अच्छा वो चेक करती है। ठीक हम इसकी दो टाइम जो इसकी चुवाई होती है सही उसको हम प्रॉपर चेक करते हैं मशीन में माशाल्लाह, और इवन हम जो दुकानदार को देते हैं उसको भी हम उस रसीद के साथ देते हैं। अच्छा जबरदस्त हो गया। तो चलें जी उसके भी कोई शिकायत ना हो और हमारी भी कुछ माशाल्लाह। ये तो अच्छी चीज़ है ये माशाल्लाह। गाय का दूध जो है फ्रीजियन है ना, फ्रीजियन माशाल्लाह नस्ल जो इनकी है। तो ये सारी गाय जो है ये भी सारी दूध की प्रोडक्शन के लिए माशाल्लाह से,
और अच्छी नस्ल की सारी इन्होंने जो गाय रखी हुई है। तो दूध का जिस तरह माशाल्लाह ये बता रहे हैं कि मिलावट वगैरह कुछ भी नहीं है, अच्छा दूध जो है लेबोरेटरी टेस्ट करके फिर मार्केट में आता है। तो एक दफ़ा इनको भी मौका देते हैं जी, जिस तरह बाकी आवाम को कंपनियों के जो बगैर समझ लें टेस्ट हुए हुए और दूध पता नहीं है भी नहीं है, लेकिन कम से कम ऑर्गेनिक जो चीज़ है उस पे तो हम फोकस कर ही सकते हैं। तो दानिश भाई ने बताया सारा अपनी यहाँ से जो दूध जाता है सारा लेबोरेटरी टेस्ट होके जाता है जी। तो दानिश भाई अभी ये जितनी भी माशाल्लाह हमारे पास टोटल कितने जानवर हैं? हमारे पास तकरीबन दूध वाले तकरीबन 60 के करीब जानवर हैं अभी। अच्छा माशाल्लाह 60-70 के करीब हैं। सही। और लेकिन अभी जो हमारे पास प्रोडक्शन में है वो तकरीबन 45 के करीब है। 45 के करीब। बाकी सारी जो है वो अभी गबन है। अच्छा। तो उनकी जो है बच्चे की वजह से हम चुआई वगैरह नहीं करते, वरना वो दूध दे देती हैं। सही। लेकिन उससे जानवर की सेहत भी ख़राब होती है और बच्चे की सेहत भी ख़राब होती है। सही। चलें जी माशाल्लाह जी, ये अब हमारी आवाम ने देख लिया एक दफ़ा कि आपने भैंसें और दूध के लिए जो गाय रखी हुई हैं वो हमारी आवाम ने एक दफ़ा देख लिया। तो बस ये आवाम तक अगर आप खालिस दूध पहुँचा देना जी, ठीक है, इस दौर में तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी नेमत होगी। नहीं जी, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हम चीज़ सही देते हैं। आगे दरमियान में मिडिल मैन और दुकानदार, ये सारी उनके कमाल ये तो है जी, उनका जादू होता है। हमारे पास यहाँ पे जितनी प्रोडक्शन डेयरी की है तो ये सारी काल्स जितने भी हैं ये सब अपने होम ब्रीड के हैं। ये सारे अपने होम ब्रीड है। अच्छा माशाल्लाह जी। तो अपने व्यूअर्स को हम ये एक चीज बताएंगे। जी जी हुक्म करें। ये नीली की है, वो जितनी जा रही हो। जी 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 वो नीली की है जी। अच्छा क्रॉस होकर आई थी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स आपको एक चीज बताता चलूं कि इधर डेयरी में एक बड़ा अच्छा निज़ाम है। ये तैयार हो जाएगा जी। कौन सा वाला? अच्छा ये भी बीच में ही छोड़ा हुआ बच्चा जी। अच्छा नेक्स्ट ईयर के ये लिए सारा हमारे बच्चे हैं यही के पैदा हुए। अच्छा यहाँ भी होम ब्रीड ही है। होम ब्रीड ही है। सही माशाल्लाह जी। अच्छा इसकी ये भी फेस देने की तरह लुक आ रही है। ये बच्चा भी 8 महीने का। अच्छा माशाल्लाह, ये तो फिर 2 साल बाद की बात करें। अभी ये देखें जी माशाल्लाह, इनका डेयरी का जो सिस्टम है ना, इन्होंने बच्चे शच्चे अलग रखे हुए। अच्छा दूसरा इनका जो दूध की क्वालिटी और दूध को मेंटेन रखने के लिए वो मैं अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि ये दूध की जब प्रोडक्शन करते हैं और दूध जब मार्केट में जाता है तो उस मार्केट में जाने से पहले क्या किया जाता है दूध के साथ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी जाके। अभी बाकी जो इनका सेटअप है वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी इन्होंने बच्चे हैं जो अक्सर मोस्टली फार्मर्स क्या करते हैं कि इन बच्चों को ना ज़ाया कर दिया जाता है। जब माँ के साथ होते हैं दूध बचाने के लिए 1-2 लीटर दूध की खातिर इनको बेच देते हैं, और कुछ लोग होते हैं फिर इनको ज़ाया कर देते हैं या ज़बह कर देते हैं। तो ये माशाल्लाह दानिश भाई की एक बड़ी अच्छी सोच है कि इनको इन्होंने क्या खा लेना है, 1-2 लीटर दूध पी लेना है। बिल्कुल। ज़ाया करने से बेहतर एक तो प्रोडक्शन बच जाती है अपने फार्म की। ये अल्लाह ताला की नाशुक्री होती है अगर आप बच्चे को ज़ाया करें। सर यही चीज़ है, बहुत सारे लोग तो ये जुल्म है, ये जुल्म है, ठीक है, बहुत बड़ा जुल्म है। बिल्कुल। तो अभी मैं जो हमारा जो डेयरी का सारा सेटअप है तो अभी कुछ निकाल के हमारे ऑडियंस को हम दिखाते हैं, फिर उसके बाद माशाल्लाह दूध का भी बताएंगे कि किस तरह क्वालिटी चेक होती है इसकी जी, फिर उसके बाद मार्केट में आता है। बिल्कुल। डब्बे के दूध से ये ज्यादा बेहतर। डब्बे का दूध तो जी दूध ही नहीं है, उसमें दूध थोड़ा वो वाइटनर हो गया। चलें जी ठीक है जी, माशाल्लाह से आज की जो कवरेज थी वो माशाल्लाह आपके डेरे की हमने ले ली है, बताया इंशाल्लाह आवाम रिस्पॉन्स देगी आपके लिए। तो अभी फिलहाल इजाजत चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपके पास दोबारा भी चक्कर लगेगा। एनी टाइम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। वालेकुम।